हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक साइकिल जो है ट्रैक्स की, 26 मॉडल नंबर है इसका, 26। तो अगर आपने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मैं ऐसी ही आपके लिए नई नई जानकारियां लाता हूँ, और भी वैसे भी मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, कृपा करके आप लोग तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये है मेरी साइकिल जो कि मैंने लिया है, और ये देखिए ट्रैक्स का लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, और मॉडल नंबर यहाँ लिखा हुआ है 26, और ये A1 की साइकिल है, ब्रांड A1 यहाँ पर चलता है अपने इंडिया में। और आप देख सकते हैं एक लोगो यहाँ पर भी दे रखा है, और इसमें देखते हैं और क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं। ये देखिए, ये पीछे वाली गियर है, और ये इधर ये आगे वाली गियर है, और ये मैटर गार्ड है, और इसमें ये देखिए ये ब्लेड रिम दे रखे हुए हैं, डिस्क ब्रेक है आगे वाले चक्के में मैंने लिया हुआ है। और पीछे देखता हूँ मैं क्या है, पीछे ये देखिए ये सोकर है जो कि जो गद्दी पे जो बैठता है उसके लिए काम आता है, ये सोकर है। और इसमें पावर ब्रेक दे रखी है, मास्टर ब्रेक नहीं दे रखी है, पावर ब्रेक है ये। और ये आगे वाली गियर है, और ये पीछे वाली गियर है। तो आज मैं आपको बता भी दूं कि ये किस तरीके से काम करती है, मतलब कैसे पता करें कि ये कितने गियर की है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज। ये देखिए, 1, 2, 3, और 1, 4, ये 5, और ये 6, और एक ये 7। 7 पीछे है, मतलब ये जितनी भी काटियां होती हैं ये 7 काटी है। और आगे मैं देख लेता हूँ कितनी है, तो देख लीजिए आप, 1, 2, और एक ये देखिए एक नीचे दिखाई दे रही है, 3। तो 3 का मैं जब 7 से इंटू कराऊंगा तो मुझको पता चल जाएगा कि ये कितनी गियर की साइकिल है। 21 गियर की ये साइकिल है, 21 गियर की साइकिल है, आप देख सकते हैं। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता किया गया कि 21 गियर की है, क्योंकि ये दोनों इंटू कराए गए हैं। जब मैं एक पे इस पे रखूंगा तो मैं ये तीसरे वाले पे भी रख सकता हूँ, समझे? इस वजह से ये इंटू कराया जाता है, मतलब जैसे कि मैंने इस पे रखा हुआ है तो इन तीनों पर भी इंटू करा सकता हूँ, मतलब कहीं भी चला सकता हूँ, इस वजह से ये इंटू कराया जाता है। और फिर इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, ब्लेड रिम दे रखे हुए हैं। इसको जो ये जो निकला रहता है इसको ब्लेड रिम बोला जाता है, आप देख लीजिए ये ब्लेड रिम है। और सिंपल रिम में ये चौड़ा होता है, ये चीज जो है, ये जो लगा है ये चीज चौड़ा होता है, तो उसको सिंपल रिम बोला जाता है, इसको ब्लेड रिम बोला जाता है। और इसमें डिस्क ब्रेक ले रखा है मैंने। अभी मैं आपको इसके जो गियर हैं ये भी चला करके दिखाऊंगा। ये इसकी डिस्क ब्रेक है, आप देख सकते हैं ये छोटी सी डिस्क ब्रेक है लेकिन बहुत बढ़िया काम करती है, पावरफुल है ये डिस्क ब्रेक। तो इसमें कुछ होता नहीं है, केवल आपको मैं किसी दिन खोल करके दिखाऊंगा ये डिस्क ब्रेक कैसे काम करती है और क्या काम करती है। और ये तो आप जानते हैं ये सोकर है, आगे वाले ये सोकर है, जब कभी हचका या गड्ढे आते हैं तो ये छोटे वाले सोकर काम करते हैं आगे वाले। और ये दोनों ब्रेक के पार्ट हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये गियर जो है कैसे काम करती है। चलिए ये भी मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले मुझको नचाना पड़ेगा। और यहाँ से मैंने गियर चेंज करी है, ये देखिए, तो ये देखिए छोटे वाले चली गई। अब मैं इसको ऊपर से बढ़ाने वाला हूँ, वैसे खड़ी होकर खड़ी करने पे तो साइकिल गियर नहीं चेंज करनी चाहिए। ये देखिए ये ऊपर वाले पे आ गई, ऐसे ही इधर भी होता है। ऐसे ही पीछे वाली गियर में भी होता है, आगे ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि आप ये गियर देखिएगा, जब मैं ढीला करूंगा तो ये ऊपर नीचे होगी, ये देखिए इसी वजह से ये काम करती है। और ये देखिए पार्ट चेंज हो गया, सब साइकिलों में यही कंडीशन होती है, बस साइकिल के मॉडल अलग अलग होते हैं बस, और कुछ खासियत नहीं है।